नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और हम यहां पर देखने वाले इस वीडियो में कि किस तरह से आप अपने विंडोज 10 पीसी को विंडोज 11 में अपडेट कर सकते हो, वो भी फ्री में और वो भी ऑफिशियल वे में। मतलब यहां पे कोई भी रिस्क नहीं है, ये एक ऑफिशियल तरीका होगा अपने पीसी को विंडोज 11 में अपडेट करने का। हालांकि मैंने पहले ही विंडोज 11 में अपडेट कर लिया था, यूज भी किया था कुछ दिन, लेकिन कई सारे यूजर्स ने मुझे कहा था कि उन्हें एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको बता सकूं किस तरह से आपको विंडोज 11 में अपडेट करना है अपने पीसी को। तो मैंने यहाँ पे विंडोज 10 में मेरे पीसी को रोल बैक कर दिया है। अब मैं यहाँ पे विंडोज 11 को इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे, और आपको देखना है किस तरह से मैं यहाँ पे करता हूं। आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, अगर आपके विंडोज 10 पीसी को विंडोज 11 में अपडेट करना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है। जैसे आपके प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड होती है 1 GHz या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए, रैम 4 GB या उससे ऊपर होनी चाहिए, इसके अलावा स्पेस जो होगी 64 GB ड्राइव स्पेस होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, इसके अलावा जो आपका डिस्प्ले है 720p का होना चाहिए। दोस्तों, अपडेट पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को रजिस्टर करना पड़ेगा विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे आना है इस वेबसाइट पे, और आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन रजिस्टर का, आपको इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको साइन इन नाउ, आपको यहाँ पे साइन इन नाउ करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, आपको करना है पे एक्सेप्ट, ठीक है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना है रजिस्टर नाउ। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको करना है फ्लाइट नाउ। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट रजिस्टर कर लिया है, तो अब हम जाएंगे सेटिंग्स में और यहाँ पे जाएंगे अपडेट एंड सिक्योरिटी में। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ये ऑप्शन विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम का, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे करना है गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे, और फिर यहाँ पे आपको लिंक एंड अकाउंट करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे लिंक एंड अकाउंट पे क्लिक। फिर आपका जो भी यहाँ पे अकाउंट होगा, आउटलुक या फिर कोई भी हॉटमेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट का, आपको उस पर क्लिक करना है और करना है कंटिन्यू। दोस्तों, फिर यहाँ पे इनसाइडर प्रोग्राम 3 तरीके से होता है, एक होता है देव चैनल, एक होता है बीटा चैनल और एक होता है रिलीज प्रीव्यू चैनल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कौन सा करना है, अगर आप डेवलपर हो, अगर आपको सारे फीचर्स, नए फीचर्स सबसे पहले चाहिए, तो आपको यहाँ पे देव चैनल करना है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा बग्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप एक प्राइमरी पीसी अपना यूज कर रहे हो तो आपको देव चैनल को यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नए फीचर्स चाहते हो, थोड़ा लेट चाहते हो लेकिन कम बग्स के साथ, तो आपको यहाँ पे बीटा चैनल को करना है। और तीसरा होता है यहाँ पे रिलीज प्रीव्यू चैनल, इसका मतलब है कि ये एकदम लास्ट में मिलते हैं आपको सारे नए फीचर्स, इन दोनों से बाद में मिलेंगे, दोनों को पहले मिलते हैं और बाद में इसे मिलते हैं नए फीचर्स, लेकिन इसमें बग्स एकदम निग्लिजिबल होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो अगर आप एक कमर्शियल पर्पस के लिए अपने पीसी को यूज करने वाले हो, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। लेकिन अब हम यहाँ पे करने वाले हैं दूसरा बीटा चैनल, यहाँ पे हमें फीचर्स भी जल्दी मिल जाएंगे और यहाँ पे बग्स भी ज्यादा नहीं होंगे। और आपको बता दें कि अगर आप विंडोज 11 पे अपने पीसी को अपडेट कर रहे हो तो आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। और आपको करना है यहाँ पे कन्फर्म, फिर यहाँ पे करना है आपको कन्फर्म और यहां पे करना है रिस्टार्ट नाउ। दोस्तों, फिर रिस्टार्ट होने के बाद आपको जाना है वापस सेटिंग्स में, अपडेट एंड सिक्योरिटी में, और यहां पे आपको अपडेट चेक करना है, चेक फॉर अपडेट्स। तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे विंडोज 11 इनसाइडर प्रीव्यू डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो आपको इसे डाउनलोड होने देना है। और दोस्तों, यहां पे अगर आपको अपडेट नहीं मिल रहा है तो आपको यहां पे जाना है सेटिंग्स में, ठीक है, बैक, और यहां पे आपको प्राइवेसी में जाना है। यहां पे आपको एक ऑप्शन ऑन है कि नहीं चेक करना है, आपको जाना पड़ेगा यहां पे डायग्नोस्टिक्स एंड फीडबैक में, और यहां पे ये जो है ऑप्शनल डायग्नोस्टिक डेटा, आपको इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, दोनों में से इसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा, अगर आपको अपडेट यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो। अभी हमें तो फिलहाल अपडेट मिल चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्विच को ऑप्शनल पे स्विच किया था, इसलिए यहाँ पे अब अपडेट डाउनलोड हो रहा है।
दोस्तों फोन यहां पे रिस्टार्ट हो चुका है, तो अब हम इसे करते हैं स्टार्ट। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे पीसी स्टार्ट हो चुका है और ऐसा है पहला स्क्रीन। यहां पे स्टार्ट मेनू और ये सारे जो ऐप्स है अब यहां पे सेंटर में आ चुके हैं और यहां पे आप ऑल ऐप्स को यहां पे देख सकते हो इस तरीके से। और इसमें क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और यहाँ पे आप जो कैलेंडर है वो भी देख सकते हो, डेट और टाइम। और ये है यहाँ पे कुछ टॉगल्स आपको मिलेंगे वाईफाई के लिए, ब्लूटूथ के लिए, और यहाँ पे ब्राइटनेस, वॉल्यूम कंट्रोल और यहाँ पे बैटरी लेवल। यहाँ से आप एडिट कर सकते हो इन्हें, यहाँ से आप सेटिंग्स में भी जा सकते हो और यहाँ पे फिर लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कीबोर्ड के लिए ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपके पीसी में कौन सा विंडोज वर्जन चल रहा है, कौन सा ओएस वर्जन है, कौन सा बिल्ड वर्जन है। तो जैसे आप जाओगे यहाँ पे सेटिंग्स में, आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में जाना है अबाउट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो विंडोज स्पेसिफिकेशंस, एडिशन विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज वर्जन दिया हुआ है, इंस्टॉल ऑन कब इंस्टॉल किया गया है उसकी डेट लिखी गई है। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि हमने यहाँ पे बीटा वर्जन को इंस्टॉल किया है विंडोज 11 का, ठीक है। तो बीटा वर्जन में अपडेट्स काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं, बार बार अपडेट आते हैं, तो आपको अपडेट चेक करते रहना है। कई बार नए फीचर्स ऐड होते हैं, कई बार बग फिक्सेस किए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट में क्लिक करके यहाँ पे आपको अपडेट चेक करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी और आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, तो आपको नए नए फीचर्स मिलते रहेंगे। हालांकि अभी तक जितना मैंने टेस्ट किया है उतने में मुझे ज्यादा कोई बग्स फेस नहीं हुए। आप नॉर्मली अपना काम कर सकते हो, इतने ज्यादा कोई मेजर बग्स आपको नहीं भी देखने मिलेंगे इस वर्जन में। हालांकि वर्जन अपडेट होते रहते तो उसके साथ साथ जो बग्स थे वो भी फिक्स किए जाते। तो अभी काफी दिन हो चुके हैं बीटा वर्जन को रिलीज हुए, तो अभी ज्यादा बग्स आपको देखने नहीं मिलेंगे, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप नॉर्मल अपने पीसी को यूज करते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप एक प्रोफेशनल हो और अगर आप एक कमर्शियल यूज के लिए अपने पीसी को यूज करते हो, तो आपको बीटा वर्जन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेबल के लिए वेट करना चाहिए। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए विंडोज 11 के फीचर्स के बारे में, तो आपको जैसे मैंने बताया वीडियो मैंने बनाई ऑलरेडी, आप वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।